महाकाल की नगरी में बहुत उत्सवमय वातावरण है और वही प्रभाव आपके भीतर भी दिख रहा है। बहुत उत्साह के साथ आज आपने दिन भर धूप में दर्शन करने गए, और जो उत्साह आपके मन में था वही उत्साह यदि रोज रोज बना रहे तो कितना आनंद आ जाए। अब ये उत्साह रोज रोज रखने की विद्या मनुष्य को अपने आप नहीं आता, उसके लिए गुरु के पास आना पड़ता है। गुरु क्या है, कड़वी कड़वी बात भी होती है ना, तो बड़े ही मिठास मिठास के साथ आपको कह देते हैं, आपके हृदय में उतार देते हैं। बड़ा डॉक्टर होता है गुरु। बच्चे को देखना होता है तो उसे कहता है अभी तेरे को खिलौना देंगे, खिलौने से खिलाएंगे, थोड़ा मुंह खोल, अरे तुम्हारे मुंह से तारे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, आकाश क्या दिख रहा है, और जांच कर लेता है। एक डॉक्टर था, मरीज का इलाज पूरा किया और अब डॉक्टर साहब को लगा कि अब बचेगा नहीं, तो डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि भाई अब तुम्हारे पास कुछ चंद घंटे हैं। डॉक्टर ने कहा कुछ फोन से डिलीट वगैरह करना है, तुम्हारे मोबाइल से तो डिलीट वगैरह सब कर लो। समझ गए आप बात? डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम्हारे मोबाइल में कुछ इधर उधर का लिखा हुआ देखा हुआ कुछ है और डिलीट करना है तो कर लो। पेशेंट समझ गया कि वो डॉक्टर कह रहा है कि ये सब पुराना है, कुछ भी गाल मेल किया हुआ उल्टा सीधा हिसाब किताब लिखा हुआ उल्टे सीधे मैसेज वगैरह किए कहे क्लीन कर लो। तो भाई आप चाहते हो गुरु से शक्ति, कि गुरु हमें शक्तिपात कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। तो आप क्या चाहते हो, शिव को चाहते हो या शक्ति को चाहते हो, पहले ये तो निर्णय ले लो। कल शिवरात्रि क्या चाहते हैं? दोनों चाहते हो तो शिव तो निष्प्रह है, शिव ध्यानस्थ है, जहां शिव है वहां तो कोई विचार ही नहीं है, शिव है निर्विचार, और शक्ति है उथल पुथल परिवर्तनकारी, सहार और फिर सृजन। तो आप क्या चाहते हो, एकदम निष्प्रह मौन शांत कोई विचार नहीं, या उथल पुथल भागम दौड़ सृजन सहार? दोनों चाहते हो है ना, तो दोनों का मिलन का पर्व क्या है? शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का पर्व है कि भाई शक्ति की भी साधना हो जाए, हमारे जीवन में शक्ति भी आ जाए और हमारे अंदर शिव भाव भी आ जाए, कि हम कभी कभी अपने आप में ही आनंद मगन होकर के बैठे रहें, निर्विचार हों, शांत हों। तो पार्वती को शिव को पाने के लिए क्या करना पड़ा था? तप। तप अर्थात परिश्रम। परिश्रम का अर्थ है लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होना।
अब ये तप है, ये शांत मन से, समर्पित मन से ही किया जा सकता है। सुखी बनना है जीवन में, तो मेरी एक बात आज शिवरात्रि पर बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शांत अवश्य रहना है, लेकिन संतोषी मत बनना। क्या कह रहा हूं? शांत अवश्य रहना, लेकिन जीवन में संतोषी मत बनना कि जो मिल गया वो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ये तो भिखारी वाली बात हो गई। दो भिखारी बैठे थे कि जिंदगी कैसे कट रही है, कि आज कुछ मिल जाएगा तो खाना खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो भूखे सो जाएंगे। ये हुआ भिक्षुकपन। मेरा शिष्य मैं नहीं चाहता, न आपके गुरु चाहते हैं, न आपके दादा गुरु चाहते हैं कि आप क्रिया नहीं करो, बस जो मिल गया वो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, शायद मेरे भाग्य में नहीं होगा इसलिए मुझे नहीं मिला। भाग्य कुछ नहीं होता है, भाग्य आपके हाथ में होता है, आपकी शक्ति में होता है, आपकी बुद्धि में होता है, आपके विचारों में होता है, जिस प्रकार से आप बनना चाहते हो और जिस प्रकार से कार्य करते हो, भाग्य आपके पीछे पीछे उसी अनुसार दौड़ा दौड़ा आता है। जो बैठे रहते हैं उनके पास भाग्य कभी आता ही नहीं। ऐसा है, कभी राम मंदिर बन रहा है ना, तो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, तो पत्थर कहां से आए? नेपाल से। तो पत्थरों की बात पे मुझे याद आया कि एक शिल्पकार को मंदिर में मूर्ति बनानी थी, तो वो गया पास की नदी के ऊपर, कई पत्थर देखे, दो भारी भारी मजबूत पत्थर उसे दिखे। उन्होंने मूर्तिकार ने उन पत्थरों को बोला कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, प्रतीक कथा है। बोला क्या करोगे? कि मैं तुम्हारे पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। कि भगवान की मूर्ति बना दोगे उससे क्या होगा? कि जब मैं भगवान की मूर्ति बना दूंगा और मंदिर में स्थापित कर दूंगा तो क्या राजा, क्या रंग, सब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हारे चरण धोएंगे। तो दोनों पत्थरों ने पूछा हमें क्या करना पड़ेगा भाई? बोला मैं तुम्हारे ऊपर छेनी हथौड़ी चलाऊंगा, अभी तुम इतने विशाल काय हो, काट छाट करके उसको काटता रहूंगा, छांटता रहूंगा पूरा। पहले पत्थर ने कहा भाई काट छाट करोगे, हथौड़ा चलाओगे, छेनी चलाओगे, बहुत दर्द होगा, मुझे तो मत ले जाओ। दूसरे पत्थर ने सोचा कि कुछ बनना है तो कोई बात नहीं, हथौड़े का वार भी सहन कर लेंगे, छेनी भी सहन कर लेंगे, कुछ बन जाएगा। वो मूर्तिकार दूसरे पत्थर को ले आए और काटते छाटते काटते छाटते करते करते 6 फुट की प्रतिमा बनाई, और प्रतिमा ऐसी कि एकदम भव्य प्रतिमा, जैसे अभी साक्षात भगवान खड़े हैं, अभी बोलेंगे, ऐसी जीवंत जागृत प्रतिमा उस मूर्तिकार ने बना दी। मंदिर में स्थापना का दिवस आया, मंदिर में स्थापना का दिवस आया, मूर्ति तो स्थापित कर दी थी, वो जो भी पूजा करके स्थापन करते हैं।
फिर एकाएक याद आया, करे लोग तो भगवान को नारियल चढ़ाएंगे, नारियल छोड़ने के लिए तो पत्थर अपन लाए ही नहीं, किस शिला के ऊपर रख करके भगवान नारियल, भगवान के लिए नारियल फोड़ेंगे। अरे याद आया को दूसरा एक पत्थर पड़ा है ना मजबूत, उसको उठा के ले आते हैं, उसको उठा करके ले आए, और अब जो आए उसके ऊपर नारियल पटके उस पत्थर के ऊपर, और रोज रोज उसके ऊपर हजारों हजारों प्रहार करे, और दूसरी तो बन गई जीवन जागृत मूर्ति। तो भाई जीवन आपका है, कुछ बनना है तो कर्म करना पड़ेगा, काट छांट सब प्रहार सहन करने पड़ेंगे। कुछ करोगे नहीं तो दूसरे पत्थर, पहले पत्थर की तरह बन जाओगे कि लोग आएंगे नारियल पटकेंगे फोड़ेंगे और आगे निकल जाएंगे। शक्ति चाहिए, जीवंत व्यक्तित्व बनना है तो जीवन में कर्म का प्रभाव कैसे आए, यह प्रभाव प्रहार से अर्थात आपकी क्रिया आपकी शक्ति को और अधिक तीक्ष्ण और अधिक तीक्ष्ण और अधिक तीक्ष्ण बनाने से ही आएगा। क्या आप अपने जीवन में इसके लिए तैयार हो, या उस पत्थर की तरह पड़े ही रहना चाहते हो कि आराम से बैठे हैं जिंदगी में, क्या करना है अपने को, संतोषी बने रहना है या प्रसन्न होना है, क्या करना है? प्रसन्न रहना है, प्रसन्न रहना है तो जीवन की आड़ी टेढ़ी गलियों से गुजरना पड़ेगा। लक्ष्य का मार्ग कभी भी सीधा सीधा नहीं होता है। तो भाई अब आप जीवन आपका है, आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये आपका जीवन है। मेरे पास आप मिलने आते हो, उस क्षण गुरु के मुख से निकलता है हाँ अवश्य प्रारंभ कर दो, क्योंकि आपने अपना मन बना लिया है उस कार्य को करने के लिए। अब आप अपनी मन की शक्ति से उस कार्य के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो, लेकिन फिर भी आपको एक पुश चाहिए, एक हिम्मत चाहिए कि जिससे आपको एक भरोसा चाहिए कि मैं ये करने जा रहा हूं। आपको चाहिए कि मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे पीछे कोई खड़ा है। आपको चाहिए एक पुश, उस पुश के लिए साधक शिष्य गुरु के पास आता है कि गुरु वह पुश प्रदान करे। उड़ीसा के शिविर मैंने कहा, मैंने कहा गुरु का कोई काम है ही नहीं, गुरु का काम है शिष्य को धक्का देना। बोला कैसे? मैंने बोला जन्म से किसी को तैरना आता नहीं, गुरु आपको ले जाते हैं तालाब के किनारे नदी के किनारे और आपको जोर से धक्का दे देते हैं। धक्का दे देंगे आप क्या करोगे, हाथ पैर चलाओगे कि डूब नहीं जाए? और जोर जोर से हाथ पैर चलाओगे, पूरी ताकत से हाथ पैर चलाओगे, लेकिन आपको लगेगा कि डूबूंगा नहीं मैं, क्योंकि गुरु किनारे खड़ा है मेरे को बचा ले। फिर दूसरी बार आप गुरु आपको और वापस धक्का देते। अब आपको मालूम है कि मैं डूबूंगा नहीं, आप संभल संभल करके भाई मेरे हाथ और पैर दोनों में कैसे सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि दोनों एक ही गति से बराबर चलते रहे, हाथ चलाऊं और पैर नहीं चले तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा। दो चार छह दिन में आपको समझ में आ जाता है और आप तैराक बन जाते हो। आप कहते हो अरे मैं तो सीख गया, इतनी सी बात थी। तो गुरु का कार्य है कि आपको उस कार्य के लिए प्रवृत्त कर दे कि हाँ तुम यह कार्य कर सकते हो, मैं खड़ा हूं, तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो। जिस दिन आपके अंदर यह भाव आ जाता है कि मुझे कार्य करना है
और गुरु मेरे सहयोगी के रूप में, मेरे इष्ट के रूप में, मेरे मित्र के रूप में मेरे पीछे खड़ा है, तो आपका संसार के सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। आप हिम्मत ही नहीं करो और आप सोचो कि मैं गुरु को हनुमान बना दूं। गुरु जी मेरे को राम और लक्ष्मण को जिस प्रकार कंधे पे बिठा करके पार करा दिए थे, उसी प्रकार गुरु मुझे कंधे पे बिठा दें और गुरु मेरे लिए हनुमान बन जाए और मुझे पार करा दें, वो तो संभव नहीं होगा। गुरु तो आपको दौड़ाएगा और तेज दौड़ाएगा और गतिशील करेगा, आपको संतोषी नहीं रहने देगा, शांत जरूर करेगा कि उथल पुथल मत कर, शांत मन से क्रिया कर। शांत मन से तू क्रिया करेगा तो तेरे अंदर पराजय का भाव नहीं आएगा और तू अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सचेत होकर के चलेगा। जब पराजय का भाव नहीं आएगा और केवल जय का ही भाव आएगा तो कार्य अपने आप पूरे होने लग जाते हैं। और जैसे ही आप पहले से ही पराजय का सोचते हो, मेरे को एक जन ने पूछा बचपन में, हमारे एक टीचर बताया करते थे कि कोई बच्चा मेरे पास आता है और मेरे को पूछता है कि मैं सर मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, तो मैं बच्चे की बात सुनकर के जवाब दे देता हूं। मैंने कहा ये आपको विद्या क्या? बोला इसमें कोई बड़ी विद्या नहीं है। बच्चा यदि मेरे को ये पूछता है कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा तो मैं कहता हूं पास होगा। बच्चा मुझे पूछता है कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा तो मैं कहूंगा फेल होगा। मतलब पहले यदि उसके मन में भाव है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा तो गुरु कहते हैं कि जरूर पास होगा। पहले से ही उसके मन में भाव है गुरुजी मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ किया नहीं है इसलिए तुम 100% फेल हो गई होगे। सीधी साधी बात है। काम शुरू करने से पहले गुरुजी मैं असफल होऊंगा या सफल होऊंगा तो मैं कहूंगा बिल्कुल असफल होगे, ये काम करो ही मत। गुरुजी मैं सफल रहूंगा या असफल होऊंगा, मैं कहा 100% सफल होगे। कोई भी काम करने से पहले आप सोच लेना कि मैं इसमें सफल होना चाहता हूं तो आप सफल हो जाओगे। अरे इसमें तो बहुत रिस्क है, बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो होता ही नहीं। जब तक मन में शक्ति का उथल पुथल, शक्ति की क्रिया नहीं चलेगी तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हो। सफल होने के लिए मन को बहुत शांत करके अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ता है, तब जाकर के शक्ति भी शिव से एकाकार होती है, पूर्ण रूप से जुड़ती है। सब जने मंदिर जाके आ गए महाकाल, सब हाथ खड़े करके बता दो। आप नहीं गए अभी, कल जाओगे? 24 घंटे खुला है, रात को भी जा सकते हो। कल इधर इस महाकाल में भी आना है, हाँ, तो इसीलिए कोई बात नहीं, आज कम 4-6 घंटे ही सो जाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी है 12 घंटे सोना। बहुत सो लिए आप जिंदगी में, बहुत सो लिए। यदि गिनती की जाए ना तो 40 साल की उम्र में आप 18 साल तो केवल सोए ही सोए हो। यदि घंटों के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँ ना तो अब मालूम पड़ेगा कि आप जिंदगी के 40 साल जिए हो, उसमें रात को 8 घंटे आपको नींद चाहिए, दोपहर को आपको 3 घंटे विश्राम चाहिए, सुबह शाम आपको और कुछ नहीं है, खाली बैठे अखबार पढ़ने में आपको 2 घंटे चाहिए। इसका मतलब है कि आपने यदि 40 साल जिए हैं तो 20-22 साल तो आपने विश्राम में ही लगा दिए, 15-18 साल क्रिया की है आपने। अब तो गुरु के पास आ गई, अब तो जाग जाओ भाई, अब तो थोड़ा सोना कम करो ना। अब तो जागने की क्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कभी सोए रहोगे तो आज मैंने कई वर्षों के बाद पहली बार बोला है कि संतोषी मत बनना, शांत बनना पर संतोषी मत बनना। ये मत कहना
थोड़े की जरूरत है, थोड़े की चाहत है, थोड़ा मिल जाए। रोज कहना बहुत की चाहत है, बहुत के लिए प्रयास करूंगा, बहुत मिल जाएगा तो भी और प्रयास करता रहूंगा। जीवन में मैं संतोषी होकर के बैठा नहीं रहूंगा। ये महाकाल की नगरी में इसलिए कह रहा हूं कि महाकाल संहार के देव हैं, सृजन के देव हैं, पालन के देव हैं। तो आपके जीवन में से भी यही महाकाल से प्रार्थना है कि आपके जीवन के रोग शोक दोष का संहार हो, आपके जीवन में क्रियाशील प्रवृत्तियों का उद्भव हो, क्रिया की और अधिक जागृति हो। इसलिए स्वप्न वे नहीं होते हैं जो आप रात को नींद में देखते हैं, स्वप्न वे होते हैं जिन्हें आप जागते हुए देखते हो और जिन्हें आप पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हो। वे स्वप्न ही आपके जीवन में साकार होते हैं, फलीभूत होते हैं। रात के देखे हुए स्वप्न किसी के जीवन में फलीभूत नहीं होते। जागृत उत्तिष्ठ वरिन्न बोध, यह उपनिषद का वचन है। हे शिष्य, हे साधक, जागृत जागो, उत्तिष्ठ उठो, वरिन्न बोध और ज्ञान के साथ संयुक्त होकर संसार में क्रियाशील हो जाओ। और यदि मार्ग का पता नहीं है तो ये न पंथा गत महाजन, उस मार्ग पर जाओ जहां गुरु चले हैं, ऋषि चले हैं, ज्ञानी चले हैं। उस ज्ञान मार्ग पर तुम निरंतर चलते रहो, तुम्हें जीवन में निरंतर और निरंतर आनंद आएगा। यही महाकाल का आनंद आपके शरीर में मन में स्थापित हो, यही आपको आशीर्वाद है। अब महाकाल के प्रांगण में क्षेत्र में दीक्षा लेने का विशेष महत्व है। आप भक्ति से चैतन्य होते हैं, भाव से चैतन्य होते हैं। आपके मन में ये भाव आता है कि मुझे जीवन में कुछ विशेष करना है। जब चैतन्य का भाव आता है तो आप समझिए कि आपके अंकुर जीवन में अंकुर बीज अंकुरित हो गया है। अब उस बीज को फल बनना है। बीज टूटेगा, अंकुरित होगा और उसकी पूर्णावती होगी जब वह वृक्ष बनेगा। तो इस महाकाल के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में आकर आप भीतर से चैतन्य हो गए। तो इस चैतन्य भाव को जीवित रखने के लिए और उसे संबल करने के लिए गुरु जो भी दीक्षा प्रदान करे, चाहे वह छिन्नमस्ता हो, भैरव हो, कमला लक्ष्मी हो, महाकाल मां मृत्युंजय हो, उस भाव को अपने भीतर साकार करो। इम्पॉसिबल को तोड़ करके बोलो आई एम पॉसिबल। संभव है, बस आई एम पॉसिबल, मैं संभव कर सकता हूं। इम्पॉसिबल को अपने जीवन से हटा दो, आई एम पॉसिबल। और आपके लिए तो गुरु आपके साथ है, आपकी भक्ति है, आपकी शक्ति है, देवजन शुभ कार्य के लिए आपके साथ है। फिर क्यों जीवन में व्यर्थ का घबराते हो, क्यों तंत्र बाधा से घबराते हो कि तंत्र कर दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद।